Hello friends, how are you? I hope you all are healthy and well-being. So welcome back to my channel. Myself, Abhishek Kumar. I am your biology mentor. So now we discuss about very important and interesting unit of the 11th NCERT that is the plant physiology. So in this particular unit, we detail discuss about each and every chapter which contain in this unit. So I hope you all enjoy this video. So if you like my videos, so please subscribe my channel and like share my video with friends. And if you want to join my social media handle, so I provide a link in the description box and the box section of my channel. So please go through the box section of my channel and click the social media icon and join with us. So I hope you all appreciated me. So watch the video and keep support. So hello friends, welcome back another new and interesting video. So now we discuss about uptake and transport of mineral nutrient. यानी plant mineral nutrient को कैसे uptake करता है, यानी uptake का मतलब होता है कैसे लेता है और उसको कैसे ट्रांसपोर्ट करता है. सारी की सारी चीज़ें डिटेल्स और इंटरेस्टिंग मैनर में मैं आपको बताऊंगा. तो चलिए शुरू करते हैं. सो फर्स्ट पीरियड फॉर रिटेन इन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आफ्टर डेट डिलीवरी ईच एंड एवरीथिंग बट सिंपल एंड इजी वर्ड. सो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. सो क्या है अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट, है ना. प्लांट ऑब्टेन देयर कार्बन एंड मोस्ट ऑफ देयर ऑक्सीजन फ्रॉम CO2 इन एटमॉस्फेयर, है ना. तो इसमें हमको क्या बताया गया है कि जो प्लांट ऑब्टेन करता है क्या कार्बन ऑब्टेन करता है और मोस्ट ऑफ देयर ऑक्सीजन, यानी कार्बन और ऑक्सीजन ऑब्टेन करता है वो कहाँ से लेता है, कहाँ से लेता है वो CO2 से लेता है. कहाँ से लेता है CO2 से लेता है. CO2 कहाँ पे पाई जाती है, एटमॉस्फेयर में पाई जाती है ना. क्योंकि इसमें दो हैं, कार्बन भी है और ऑक्सीजन है, है ना. कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर क्या बना, CO2 मिला है. तो यही जो एटमॉस्फेयर से CO2 होती है उसी से अपना ऑक्सीजन और कार्बन दोनों उसी से लेता है, ठीक है. आगे क्या दिया है, हाउएवर देयर रिमेनिंग न्यूट्रिएंट, और इसके अलावा भी रिमेनिंग न्यूट्रिएंट जो होते हैं न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जो होती है पूरी करता है. कहाँ से, ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल एंड वाटर फॉर हाइड्रोजन इन सॉइल, है ना. तो इसके बाद क्या बताया गया हमको, इसके बाद ये बताया गया है कि जो कार्बन है और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट तो पूरी करता है अपनी एक CO2 से जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, ठीक है. और उसके बाद जो होती है रिमेनिंग न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, जो उसके अलावा न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो ऑब्टेन होती है कहाँ से, फ्रॉम मिनरल से, है ना. मिनरल से ऑब्टेन करता है एंड वाटर, मिनरल से ऑब्टेन करता है वाटर फॉर हाइड्रोजन इन सॉइल, है ना. और क्या, हाइड्रोजन सॉइल में क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, उसे वाटर से हाइड्रोजन लेता है. अब क्योंकि H2O में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है और हाइड्रोजन होता है, ठीक है, समझ गए होंगे आप. अब आगे क्या बताया गया हमको, अपटेक ऑफ मिनरल आयन, है ना. मिनरल आयन का अपटेक कैसे होता है इसके बारे में देखेंगे हम लोग, ठीक है. अनलाइक वाटर, वाटर की तरह, है ना. अनलाइक वाटर ऑल मिनरल कैन नॉट बी पैसिवली एब्जॉर्ब बाई रूट, है ना. वाटर की तरीके वाटर जो होता है वो पैसिवली एब्जॉर्ब हो जाता है रूट के थ्रू, है ना भाई. सिंपल डिफ्यूजन, है ना. रूट हेयर पाए जाते हैं रूट में, वो एब्जॉर्प्शन करते हैं सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू, है ना. वाटर के तरीके सारे मिनरल जो होते हैं वो पैसिवली एब्जॉर्ब नहीं किए जा सकते हैं बाई रूट, है ना. क्योंकि रूट जो है सारे मिनरल को पैसिवली एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है, ठीक है. उसके पीछे दो फैक्टर होते हैं, कौन कौन से फैक्टर होते हैं. फैक्टर पहला यही है कि जो मिनरल होते हैं ना, मिनरल आर प्रेजेंट इन सॉइल एज चार्ज पार्टिकल. जो मिनरल सॉइल में प्रेजेंट होते हैं वो चार्ज पार्टिकल के रूप में प्रेजेंट होते हैं, उनमें चार्ज पार्टिकल होते हैं, यानी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज टाइप में प्रेजेंट होंगे. तो इस वजह से मिनरल पैसिवली एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, ठीक है. और क्या है, चार्ज पार्टिकल के रूप में प्रेजेंट होंगे विच कैन नॉट मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, जो कि सेल मेम्ब्रेन को अक्रॉस नहीं कर पाते, सेल मेम्ब्रेन को पास नहीं कर पाते हैं, ठीक है. और सेकंड क्या बताया गया फैक्टर, द कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल, जो मिनरल की कंसंट्रेशन होती है सॉइल में, द कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल, कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल इन सॉइल इज यूजली लोअर देन द कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल इन रूट, यानी मिनरल में जो सॉइल में मिनरल की कंसंट्रेशन होती है वो लोअर होती है और जितनी कंसंट्रेशन रूट में होती है, यानी रूट में कंसंट्रेशन मिनरल की ज़्यादा होती है, सॉइल में कम होती है. इसी वजह से चीज़ वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है पैसिवली, क्योंकि चीज़ें जो होती हैं हमेशा क्या, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाने की सोचती हैं, है ना. हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाएंगी. अब रूट में चीज़ें ऑलरेडी हाई कंसंट्रेशन में हैं, तो सॉइल में तो वो चली जाएगी, सॉइल में चली जाएगी. बट सॉइल में क्या है, लो कंसंट्रेशन में, तो चीज़ें सॉइल से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगी. तो यानी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में जाने के लिए हमको क्या, एनर्जी की जरूरत पड़ती है. तो उसमें कौन सा एब्जॉर्प्शन होगा, एक्टिव टाइप का एब्जॉर्प्शन होगा, यानी इसमें एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी टेक प्लेस होगा, यानी एनर्जी का खर्च होगा, ठीक है. आगे क्या है, देयरफॉर मोस्ट मिनरल मस्ट इंटर रूट बाय एक्टिव एब्जॉर्प्शन. तो इसलिए बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, ज़्यादातर मिनरल जो होते हैं मोस्ट मिनरल मस्ट इंटर रूट बाई एक्टिव एब्जॉर्प्शन. तो मिनरल जो होते हैं वो एक्टिव एब्जॉर्प्शन रूट के द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं. इनटू साइटोप्लाज्म ऑफ एपिडर्मल सेल, यानी जो मोस्ट मिनरल होते हैं, ज़्यादातर मिनरल होंगे वो रूट के द्वारा एक्टिव एब्जॉर्प्शन के द्वारा एब्जॉर्ब किए जाएंगे. साइटोप्लाज्म ऑफ एपिडर्मल सेल, रूट में एपिडर्मल सेल होती हैं, उनके साइटोप्लाज्म के द्वारा एक्टिव एब्जॉर्प्शन से एब्जॉर्ब किए जाएंगे, ठीक है. आगे क्या है,
दिस नीड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब एनर्जी का यूज होता है तो किस फॉर्म में होगा, एनर्जी का यूज होगा तो कैसे किस फॉर्म में होगा, एटीपी के फॉर्म में होगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, है ना, इसको क्या बोलते हैं, करेंसी बोलते हैं, एनर्जी करेंसी, ठीक है, एनर्जी करेंसी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी, यानी इससे इसमें एनर्जी स्टोर होती है, ठीक है। आगे क्या है, द एक्टिव अपटेक ऑफ आयन, द एक्टिव अपटेक ऑफ आयन इज पार्शली रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट इन रूट, है ना, जो एक्टिव अब्जॉर्प्शन होता है, आयन का एक्टिव अब्जॉर्प्शन होगा वो पार्शली रिस्पॉन्सिबल होगा किसमें, वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट इन रूट, कि वाटर में, रूट में वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, ठीक है। एंड देयर फॉर फॉर द अपटेक ऑफ वाटर बाई द ऑस्मोसिस, और वो जो ऑस्मोसिस के द्वारा वाटर अपटेक किया जाता है, यानी अपटेक लिया जाता है, यानी उसको चीज़ें अपटेक करती हैं, ठीक है, लेती हैं, अपटेक का मतलब होता है लेना, अपटेक का मतलब होता है लेना, ठीक है। सो क्या हुआ, ये जो एक्टिव अपटेक ऑफ आयन हुआ पार्शियली रिस्पॉन्सिबल फॉर होता है किसके लिए, वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट रूट में, क्योंकि वाटर में, रूट में वाटर पोटेंशियल का ग्रेडियंट क्या है, है ना, एंड देयर फॉर अपटेक फॉर वाटर बाई ऑस्मोसिस, ठीक है। आगे क्या बताया गया है, सम आयन आल्सो मूव इनटू द एपिडर्मल सेल पैसिवली, कुछ आयन होते हैं एपिडर्मल सेल में कैसे पैसिवली मूव करते हैं, कैसे मूव करते हैं, पैसिवली मूव करते हैं, हैं, सम आयन, सम बोला है, आल आयन नहीं बोला है, ये बात याद रखेंगे कि आल आयन नहीं बोला है, सम आयन बोला है, ठीक है। सम आयन जो होते हैं वो मूव करते हैं एपिडर्मल सेल में पैसिवली, में पैसिवली तरीके से, ठीक है। इसमें आगे क्या बताया गया है, आयन आर एब्जॉर्ब, आयन जो होते हैं एब्जॉर्ब फ्रॉम सॉयल बाई बोथ पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, है ना, जो आयन होते हैं एब्जॉर्ब होते हैं बाई सॉयल के, सॉयल से एब्जॉर्ब होते हैं, तो वो पैसिव और एक्टिव ट्रांसपोर्ट दोनों से एब्जॉर्ब होते हैं, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे कि एक्टिव पैसिव बोथ मेथड से एब्जॉर्ब होते हैं आयन, ठीक है। स्पेसिफिक प्रोटीन इन द मेम्ब्रेन ऑफ द रूट हेयर सेल्स एक्टिव पंप आयन फ्रॉम सॉयल इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द एपिडर्मल सेल, तो ये उसमें एक स्पेसिफिक प्रोटीन होती हैं, क्या होती हैं, स्पेसिफिक प्रोटीन होती हैं इन मेम्ब्रेन ऑफ द रूट हेयर सेल, ना रूट हेयर की सेल में स्पेसिफिक प्रोटीन होगी जो कि क्या करेंगे, एक्टिवली पंप आयन करेंगी, एक्टिवली एक्टिव ट्रांसपोर्ट कराएंगी फ्रॉम सॉयल इनटू साइटोप्लाज्मा ऑफ एपिडर्मल सेल, है ना, सॉयल से चीज़ों को एक्टिव ट्रांसपोर्ट करेंगी कहाँ पे, साइटोप्लाज्मा ऑफ द एपिडर्मल सेल में, ठीक है। स्पेसिफिक प्रोटीन्स होती हैं, लाइक आल सेल, सारी सेल की तरीके, लाइक आल सेल द इंडोडर्मल सेल हैव मेनी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन इम्बेडेड, है ना, सारी सेल की तरीके इंडोडर्मल सेल में भी क्या होती हैं, बहुत सारी प्रोटीन होती हैं, इम्बेडेड होती हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होती हैं, कैसी प्रोटीन होती हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होती हैं, इम्बेडेड इन देयर प्लाज्मा, और उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इम्बेडेड हुई होती हैं, यानी धसी हुई होती हैं, यानी इस प्रोटीन को क्या बोलेंगे, इंटीग्रल प्रोटीन, क्या बोलेंगे, इंटीग्रल प्रोटीन, यानी धसी हुई प्रोटीन होती हैं, ठीक है। आगे क्या है, दे लेट सम सल्यूट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, है ना, ये क्या करती हैं, सल्यूट कुछ इस मेम्ब्रेन से सल्यूट क्रॉस होते हैं, बट नॉट अदर, कुछ सल्यूट क्रॉस होते हैं बट सारे के सारे नहीं होते हैं, ठीक है, बट नॉट अदर। आगे क्या दिया गया है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होती हैं ऑफ इंडोडर्मल, ट्रांसपोर्टीन ऑफ इंडोडर्मल सेल आर कंट्रोल पॉइंट, है ना, उनमें क्या होता है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन में क्या होते हैं, इंडोडर्मल में कंट्रोल पॉइंट होते हैं, है ना, क्या होते हैं, कंट्रोल पॉइंट होते हैं, वेयर ए प्लांट एडजस्ट द क्वांटिटी, जहाँ पे क्या प्लांट क्या करता है, क्वांटिटी को एडजस्ट करता है, एंड टाइप ऑफ सॉल्यूट डेट रीच द जाइलम, और किस टाइप का सॉल्यूट जाइलम पे पहुँच रहा है ना, क्या करेंगी, वो जो प्रोटीन होती है कंट्रोल पॉइंट होती है उनमें, वो एडजस्ट करते हैं क्वांटिटी ऑफ टाइप ऑफ सॉल्यूट, है ना, क्वांटिटी एडजस्ट करेंगी और उसके टाइप ऑफ सॉल्यूट जो कि कहाँ पे पहुँच रहा है, वो जाइलम में पहुँच रहा है, ठीक है, ये बात याद रखेंगे। नोट, आगे कह दिया है, नोट डेट द रूट एपिडर्मिस बिकॉज ऑफ लेयर ऑफ सुवेरिन हैज द एबिलिटी टू एक्टिवली ट्रांसपोर्ट आयन इन वन डायरेक्शन ओनली, है ना। अब इसमें क्या बात बोला गया कि हमसे ये बोला गया कि रूट की इंडोडर्मिस में क्या होता है, इंडोडर्मिस में क्या पाया जा रहा था, यहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप पाई जा रही थी, क्या पाई जा रही थी, कैस्पेरियन स्ट्रिप पाई जा रही थी, कैस्पेरियन स्ट्रिप पाई जा रही थी, जो किसकी बनी हुई थी, सुवेरिन की बनी हुई थी, है ना। तो उसमें क्या है, चीज़ें क्या जाएंगी, एक्टिवली जाएंगी, कैसी जाएंगी, एक्टिवली जाएंगी, क्योंकि इससे चीज़ें कोई पास नहीं हो पा रही थी, नॉर्मली तो पास नहीं हो पा रही थी, बट रूट के इंडोडर्मिस में सुवेरिन की लेयर होती है, तो उसमें एबिलिटी क्या होती है, चीज़ों को एक्टिव ट्रांसपोर्ट करें, एक्टिव ट्रांसपोर्ट करें
वन डायरेक्शन में, है ना, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन करे ओनली वन डायरेक्शन में, ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। कैसा करेगा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट इन ओनली वन डायरेक्शन, ठीक है। आगे क्या, अब क्या बोला गया हमसे, ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल आयन। अब मिनरल आयन का ट्रांसलोकेशन कैसे होता है इसके बारे में बताया गया हमको, ठीक है, इसके बारे में देख लेते हम लोग। ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल आयन है ना, इसमें क्या है, आफ्टर द आयन हैव रीच द जाइलम थ्रू एक्टिव और पैसिव अपटेक, है ना। जब जाइलम में आयन पहुंच जाएंगे वो कैसे जाएंगे, एक्टिव जाएं या पैसिव जाएं, है ना, एक्टिव प्रोसेस से जाएं या पैसिव प्रोसेस से जाएं, तो उसके बाद क्या होता है, और ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, या तो एक्टिव प्रोसेस से जाएगा जाइलम में आयन, या फिर पैसिव से जाएगा, या फिर दोनों से जाएगा, ठीक है। फर्दर देयर फॉर फर्दर ट्रांसफर ऑफ द स्टेम टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट, उसके बाद क्या होता है, जाइलम से सारे पार्ट ऑफ प्लांट में मिनरल आयन का क्या होगा, आयन का क्या होगा, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, है ना। इसको बोलते हैं ट्रांसपायरेशन स्टीम, थ्रू ट्रांसपायरेशन स्टीम, ट्रांसपायरेशन पुल जो पाए जा रहे थे, ट्रांसपायरेशन पुल, ठीक है। इसके द्वारा फिर एक सारे स्टीम के प्लांट पार्ट में भेज दिया जाएगा। द चीफ सिंक क्या होता है, सोर्स क्या होता है, इसमें क्या बताया, द चीफ सिंक फॉर मिनरल एलिमेंट आर ग्रोइंग रीजन ऑफ द प्लांट, है ना। अब इसमें क्या बताया हमको, सिंक क्या होता है और सोर्स क्या होता है, सोर्स क्या होता है, जहाँ से चीज़ें प्रोड्यूस हों, है ना, जहाँ से चीज़ें बने, जहाँ पे चीज़ें पाई जाएं, है ना, और जहाँ पे चीज़ें भेजी जाएं, मतलब सोर्स से चीज़ें बन के सिंक की तरफ जाएंगी, है ना, जहाँ से सोर्स में होता है प्रोडक्शन, चीज़ें बनेंगी और कहाँ पे भेजी जाएंगी, जिस पार्ट में भेजी जाएंगी वो क्या हो जाएगा, सिंक हो जाएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, सिंक हो जाएगा। यही है द चीप सिंक फॉर मिनरल, है ना, ये चीप सिंक फॉर मिनरल एलिमेंट के लिए क्या होते हैं, ग्रोइंग रीजन होते हैं, प्लांट के ग्रोइंग रीजन होंगे, उनको किसकी, मिनरल एलिमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसीलिए वो क्या होते हैं, चीप सिंक होते हैं। अब ग्रोइंग रीजन कौन कौन से हो गए प्लांट के, सच एन एपाइकल एंड लैटरल मेरिस्टम, है ना, एपाइकल एंड लैटरल मेरिस्टम में क्या हुआ, एपाइकल मेरिस्टम में क्या आ गया, रूट एपाइकल आ जाएगा और क्या आ जाएगा, सूट एपाइकल आ जाएगा, रूट एपाइकल और सूट एपाइकल आ जाएगा, और लैटरल मेरिस्टम जो होंगे ये दोनों, रूट एपाइकल मेरिस्टम रूट में पाए जाएंगे, सूट एपाइकल मेरिस्टम सूट में पाए जाएंगे, और लैटरल मेरिस्टम जो प्लांट के अगल बगल होंगे, जो विड्थ में यानी उसकी चौड़ाई में, लैटरल चौड़ाई में उसकी इंक्रीजमेंट कराएंगे, ग्रिथ इंक्रीज करेंगे, उसको लैटरल मेरिस्टम बोलते हैं, ठीक है। और क्या होते हैं, यंग लीफ होती हैं, है ना, और क्या होती हैं, चीफ सिंक क्या होती हैं, यंग लीफ होती हैं, और क्या होते हैं, डेवलपिंग फ्लावर होते हैं, डेवलपिंग फ्लावर हो गए, फ्रूट हो गए, और सीड हो गए, और क्या होंगे, स्टोरेज ऑर्गन हो गए, है ना। तो इसमें क्या हुआ, ग्रोइंग रीजन कौन कौन से हो गए प्लांट के, रूट एपाइकल हो गया, सूट एपाइकल हो गया, ठीक है, लैटरल मेरिस्टम हो गया, यंग लीफ हो गया, फ्लावर हो गया, फ्रूट हो गया, सीड हो गया, और क्या हो गया, स्टोरेज ऑर्गन हो गए, जहाँ पे चीज़ें स्टोर होंगी, ठीक है। अनलोडिंग ऑफ मिनरल, लोडिंग और अनलोडिंग में डिफरेंस क्या होता है, लोडिंग अनलोडिंग का मतलब होगा चीज़ें उतरेंगी, है ना, चीज़ें उतरेंगी, यानी कहीं से चीज़ ट्रांसपोर्ट होके आ रही हैं और वहाँ से वो चीज़ खाली हो जाएगी, है ना। एक ट्रक पे कोई ब्रिक्स भरा हुआ है, मतलब ईंटें भरे हुए हैं ट्रक से, और एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहे हैं, तो वहाँ से जहाँ से भरे जाएंगे तो उसको क्या करेंगे कि ट्रक में ब्रिक्स लोड हो रहे हैं, ठीक है, और जब उतारे जाएंगे तो क्या बोलेंगे, ट्रक से ब्रिक्स अनलोड हो रहे हैं, तो यही मतलब होता है, चीज़ें वहाँ से हटेंगी, ठीक है, उतरेंगी। अनलोडिंग ऑफ मिनरल आयन अकर एट द फाइन बैंड एंडिंग, अनलोडिंग ऑफ मिनरल आयन कहाँ से होता है, फाइन बैंड एंडिंग से होता है, फाइन बैंड एंडिंग जहाँ पे पतली क्या होंगी, फाइन का मतलब होता है पतली, क्या होगा, पतली वहाँ पे क्या होंगी, पतली वहाँ पे चीज़ें होंगी, फाइन बैंड एंडिंग होंगी, तो उसके द्वारा क्या होगा, डिफ्यूजन के द्वारा ये चीज़ें अनलोडिंग होंगी, एंड एक्टिव अपटेक बाय द सेल, और एक्टिवली सेल के द्वारा ले ली जाएंगी, है ना, एक्टिवली सेल के द्वारा अपटेक कर ली जाएंगी, ले ली जाएंगी। आगे क्या बताया गया हमको, मिनरल आयन आर फ्रिक्वेंटली रिमोबलाइज, जो मिनरल आयन होते हैं वो कैसे होते हैं, फ्रिक्वेंटली रिमोबलाइज होते हैं, है ना, कि वो रिमोबलाइज हो जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे, दूसरे स्थान से दूसरे स्थान पे, ऐसे जाते रहते हैं, ठीक है, फ्रिक्वेंटली रिमोबलाइज होते हैं, ये बात याद रखेंगे। पार्टिकुलरली फ्रॉम ओल्डर लीफ, है ना, पार्टिकल कहाँ से, ओल्डर लीफ यानी ओल्डर पार्ट ऑफ प्लांट, है ना, यानी जो प्लांट का क्या होगा, ओल्डर ये मतलब सेनेसेंस, इसका मतलब क्या होगा, सेनेसेंस पार्ट मतलब ओल्ड पार्ट, क्या,
ओल्ड पार्ट, यानी ओल्ड पार्ट से चीज़ें कहाँ जाएंगी, यंग में जाएंगी, है ना। ओल्ड पार्ट से चीज़ें कहाँ जाएंगी, यंग में जाएंगी। जब उसमें क्या होगा, जब बुढ़ापा आएगा, पेड़ का बुढ़ापा आएगा, चीज़ों का बुढ़ापा आ जाएगा, तो इसमें क्या बताया गया, ओल्डर डाइंग लीफ, है ना। ओल्डर जो बूढ़ी होती है, पुरानी पत्ती होती है, मरने वाली लीफ होती है, वो अपना क्या करती है, वहाँ से चीज़ें एक्सपोर्ट हो जाएंगी। कहाँ से एक्सपोर्ट हो जाएंगी, ओल्डर पार्ट ऑफ सनसन पार्ट ऑफ द प्लांट से चीज़ें एक्सपोर्ट हो जाएंगी। मच ऑफ देयर मिनरल कंटेंट टू यंगल लीफ, और वो अपना मिनरल कंटेंट कहाँ दे देंगी, यंगल लीफ्स को दे देंगी, यानी जवान पत्तियों को दे देंगी। क्योंकि जो ओल्ड होगा वो मरने वाला होगा, तो अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी का मतलब हुआ, यहाँ पे प्रॉपर्टी का मतलब हुआ उनके मिनरल न्यूट्रिएंट्स से, है ना। उनके मिनरल न्यूट्रिएंट जो है वो किसको दे देगा, यंग यानी जवान लीफ्स को दे देगा। ठीक है, आगे क्या बताया गया है, सिमिलरली इसी प्रकार बिफोर लीफ फॉल इन डेसिडियस प्लांट्स, है ना। इसी प्रकार जो होते हैं, लीफ जब गिरने वाली होती है किसमें, डेसिडियस प्लांट्स में, तो क्या है, मिनरल आर रिमूव फ्रॉम अदर पार्ट, तो वहाँ से मिनरल क्या होते हैं, रिमूव हो जाते हैं, है ना, वहाँ से रिमूव हो जाएंगे और दूसरे पार्ट में चले जाएंगे। ठीक है, एलिमेंट मोस्ट रेडली रिमोबलाइज, एलिमेंट जो होते हैं मोस्ट रेडली रिमोबलाइज होते हैं, वो कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट्स मोस्ट रेडली रिमोबलाइज आर फॉस्फोरस, ये बात याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि एलिमेंट जो होते हैं मोस्ट रेडली रिमोबलाइज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, फास्फोरस होता है, सल्फर होता है, नाइट्रोजन होता है, और क्या होते हैं, पोटेशियम होते हैं। कौन कौन से हो गए, एलिमेंट हो गए रेडियली रिमोबलाइज हो गए, एलिमेंट कौन कौन से हो गए, फास्फोरस हो गए, यानी फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, नाइट्रोजन हो गया और पोटेशियम हो गया, है ना। ये चीज़ें हैं रेडली रिमोबलाइज हैं। ठीक है, सम एलिमेंट डेट आर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, जो कुछ एलिमेंट होते हैं स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होते हैं, जैसे कैल्शियम आर नॉट रिमोबलाइज, ये कैल्शियम जो होता है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, कैसा कंपोनेंट है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, और ये क्या है, रिमोबलाइज है, मतलब रिमोबलाइज नहीं होता है, नॉट रिमोबलाइज। ठीक है, ये बात याद रखेंगे, कैल्शियम जो होता है ये रिमोबलाइज नहीं होता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है प्लांट का। ठीक है, आगे क्या बताया गया है, इन एनालिसिस ऑफ द जाइलम, है ना, जब हम एनालिसिस करते हैं जाइलम के एग्जुडेट्स की, एग्जुडेट्स का मतलब होता है स्राव, एग्जुडेट्स का मतलब क्या होता है, स्राव, इसका मतलब क्या होता है, स्राव, यानी जब हम जाइलम के एग्जुडेट्स की स्राव की एनालिसिस करते हैं, तो क्या करते हैं, हम स्राव थ्रू सम ऑफ द नाइट्रोजन ट्रेवल्स, तो हम क्या देखते हैं, कुछ नाइट्रोजन ट्रेवल देखते हैं, इनऑर्गेनिक आयन, है ना, इनऑर्गेनिक फॉर्म में नाइट्रोजन को देखते हैं हम। ठीक है, आगे क्या है, मच ऑफ इट्स कैरी इन द ऑर्गेनिक फॉर्म, है ना, ज़्यादातर ये कैरी होती है किसके, इनऑर्गेनिक, सॉरी ऑर्गेनिक फॉर्म में कैरी होती है, और नाइट्रोजन ज़्यादातर कैसी कैरी होती है, इन ऑर्गेनिक फॉर्म में, ऑर्गेनिक फॉर्म में अमीनो एसिड, है ना, किस फॉर्म में, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड। ठीक है, अमीनो एसिड, अमीनो में क्या क्या हुआ, अमीनो में क्या हुआ, NH3 एक अमीनो ग्रुप हो गया और एक एसिड ग्रुप हो गया, क्या ग्रुप हो गया, एसिड ग्रुप हो गया। ठीक है, अमीनो एसिड एंड रिलेटेड कंपाउंड, और उसके रिलेटेड कंपाउंड में ज़्यादातर जो होती है हम लोग देखते हैं। ठीक है, आगे क्या है, सिमिलरली स्मॉल अमाउंट, इसका जो कुछ अमाउंट होता है कैसा होता है, फास्फोरस और सल्फर आर एज ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसमें क्या होते हैं, कुछ स्मॉल अमाउंट में क्या होते हैं, फास्फोरस और सल्फर जो होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में देखे जाते हैं। इन एडिशन, इसके अलावा, इन एडिशन स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल डज टेक प्लेस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, और इसमें क्या है, कुछ मात्रा में जाइलम और फ्लोएम में क्या होते हैं, मटेरियल जो होते हैं एक्सचेंज होते हैं। ठीक है, टेक प्लेस होते हैं जाइलम और फ्लोएम में। ठीक है, आगे क्या है, हेंस इट इज नॉट वी कैन क्लियरली मेक ए डिस्टिंक्शन ऑफ द से कैटेगरीज डेट जाइलम ट्रांसपोर्ट ओनली इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट व्हाइल फ्लोएम ट्रांसपोर्ट ओनली ऑर्गेनिक मटेरियल एज वॉच ट्रेडिशनली बिलीव्ड। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही है कि अब इसमें देखो, हम ये क्लियर डिफाइन नहीं कर सकते हैं, इसी वजह से हम क्लियर डिफाइन नहीं कर पाते हैं, क्या नहीं कर पाते हैं कि जो होता है, वी कैन क्लियरली मेक डिस्टिंक्शन, मतलब डिफरेंस, डिफरेंस हम क्लियर नहीं कर पाते हैं और कैटेगराइज नहीं कर पाते हैं कि जाइलम सिर्फ ट्रांसपोर्ट करता है और ओनली इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट को, है ना, और जबकि फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है क्या, ओनली ऑर्गेनिक मटेरियल को, है ना, क्योंकि जैसा ये ट्रेडिशनली बिलीव करते हैं, बट ऐसा नहीं होता है, हम क्लियर डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं इसमें। ठीक है,
क्यों डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं? क्योंकि जब हम जाइलम के यूजरॉस को मतलब उसके स्राव को जब मेजर करेंगे उसमें देखेंगे तो उसमें बहुत सारी नाइट्रोजन होंगी जो नाइट्रोजन ट्रेवल करेगी किसी इनऑर्गेनिक फॉर्म में, है ना, और उसमें ज़्यादातर जो कैरी होगी कैसे ऑर्गेनिक फॉर्म में होगी, अमीनो एसिड में और उसके रिलेटेड कंपाउंड में होगी। इसी तरह स्मॉल अमाउंट में जो होंगे फास्फोरस और सल्फर होंगे ऑर्गेनिक फॉर्म कंपाउंड में पाए जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह इसी में क्या हम ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि जो जाइलम होता है वो सिर्फ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट को ही सप्लाई करता है यानी ट्रांसपोर्ट करता है, और फ्लोएम जो होता है ऑर्गेनिक मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है। हम इसके बीच में क्लियर डिफ्रेंशिएशन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। आगे क्या बताया, फ्लोएम, आगे क्या बताया, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट बताया गया है। फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट कहाँ से होता है, फ्लो फ्रॉम सोर्स टू सिंक, है ना। सोर्स का मतलब चीज़ें बनेंगी और सिंक से मतलब जहाँ पे चीज़ें बन के जाएंगी, ठीक है। फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट देखा जाएगा, अब क्या है फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट, फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट, फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम से पता चलता है ये क्या करेगा, फूड का ट्रांसलोकेशन करेगा, क्या करेगा, फूड बना के भेजेगा पूरे प्लांट में, है ना। इसमें क्या है, फूड प्राइमरली सुक्रोज, है ना, फूड जो होता है किस फॉर्म में होता है, प्राइमरली सुक्रोज के फॉर्म में, किस फॉर्म में, सुक्रोज के फॉर्म में, इज ट्रांसपोर्टेड बाय द वास्कुलर टिश्यू फ्लोएम, है ना, फ्रॉम सोर्स टू सिंक, यानी जो फूड होगा ट्रांसपोर्ट होगा सुक्रोज के फॉर्म में, वास्कुलर टिश्यू फ्लोएम के द्वारा फूड जो ट्रांसपोर्ट होगा सुक्रोज के फॉर्म में फ्रॉम सोर्स टू सिंक, यानी सोर्स यहाँ पे क्या हुआ, लीफ, क्या हुआ, लीफ हुई, यहाँ पे जो सोर्स हुई खाना बनाएंगी, ये चीज़ें खाना बनाएंगी और भेजेंगी सारे प्लांट के पार्ट्स को, यानी उसके रूट में भेजेंगी, अदर पार्ट में भेजेंगी, ठीक है। यूजली द सोर्स इज अंडरस्टूड टू बी डेट पार्ट ऑफ प्लांट विच सिंथेसाइज ऑफ फूड। यहाँ पे हम सोर्स को क्या करते हैं, यहाँ पे सोर्स को हम किससे अंडरस्टैंड करते हैं कि वो पार्ट जो होता है जो कि प्लांट का वो पार्ट होगा जो क्या करेगा, फूड को सिंथेसाइज करेगा यानी फूड बनाएगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, सोर्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सोर्स बोलेंगे, है ना। लीफ, लीफ क्या हो, ये इसका एग्जांपल क्या हुआ, भोजन कौन बनाएंगी, यानी फोटोसिंथेसिस करेंगी, कौन करेंगी, लीफ, तो लीफ में ही भोजन बनेगा, तो ये क्या हुआ, सोर्स हुआ। एंड सिंक क्या होता है, सिंक वो होता है जहाँ पे क्या होता है, सिंक नीड, यहाँ पे सिंक वो होगा जहाँ पे भोजन की ज़रूरत होगी और क्या करेगा, चीज़ों को स्टोर करेगा, है ना, चीज़ों को स्टोर करेगा, सॉरी चीज़ों को स्टोर करेगा, ठीक है। बट क्या है, सोर्स एंड सिंक में भी रिवर्सिबल, है ना, सोर्स और सिंक क्या हो सकते हैं, वो रिवर्सिबल हो सकते हैं, सोर्स और सिंक क्या होते हैं, वो रिवर्सिबल हो सकते हैं। कब रिवर्सिबल हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन सीजन, है ना, सीजन पे, वो सीजन पे डिपेंड करता है, सोर्स और सिंक का जो रिलेशनशिप होता है वेरिएबल हो सकता है, रिवर्स हो सकता है, ठीक है। और द प्लांट नीड, और उसकी प्लांट की बेसिस के हिसाब से और सीजन के बेसिस के हिसाब से उसका जो सोर्स और सिंक का रिलेशनशिप है वो रिवर्सिबल हो सकता है, है ना। शुगर स्टोर, शुगर क्या होती है, शुगर स्टोर इन रूट, शुगर क्या हुई, शुगर स्टोर होती है कहाँ पे, रूट में, रूट में शुगर स्टोर होगी, मे बी मोबिलाइज टू बिकम ए सोर्स ऑफ फूड इन द अर्ली स्प्रिंग, इन अर्ली स्प्रिंग व्हेन द बड्स ऑफ ट्री एक्ट एज सिंक। अब इसका मतलब क्या हुआ कि भाई शुगर जो होगी स्टोर होगी कहाँ पे, रूट में स्टोर होगी, है ना। अब वो क्या हो जाएगी, मोबिलाइज हो जाएगी और काम करने लगेगी एज ए सोर्स। अभी तक जब शुगर स्टोर ही भाई लीव में बना, खाना लीव में बना और उसको भेजा गया सारे प्लांट के पार्ट में, ठीक है, सारे प्लांट के पार्ट में खाना भेजा गया। अब क्या हुआ, तो रूट ने स्टोर कर लिया शुगर को, है ना, तो वो क्या हुई, यानी वो सिंक हुई, है ना, सिंक हुई। अब क्या हुआ, जब सीजन चेंज हुआ तो क्या हुआ, यहाँ से जो शुगर स्टोर थी अब वो शुगर ट्रांसपोर्ट की जा रही है कहाँ पे, अर्ली स्प्रिंग सीजन में वो शुगर को ट्रांसपोर्ट की जा रही है जब ट्री की बर्ड्स को, है ना, बर्ड्स जब हो रही है ट्री में तो उसको ट्रांसपोर्ट की जा रही है। तो क्या हुआ, अब ये रूट एक्ट करने लगी, है ना, अब एक्ट कैसे करने लगी, कैसे, सोर्स की तरीके एक्ट करने लगी, ठीक है, समझ गए होंगे आप, ठीक है। और जो बर्ड्स हुई ऑफ ट्री की वो कैसे एक्ट करने लगी, वो सिंक की तरीके एक्ट करने लगी, ठीक है। दे नीड एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द फोटोसिंथेटिक एपरेटस, है ना, तो इसके लिए क्या होता है, ये एनर्जी की ज़रूरत होती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फोटोसिंथेटिक एपरेटस के लिए, है ना, कौन से, बर्ड ऑफ ट्री को, ये सोर्स की तरीके सिंक की तरीके एक्ट करेगी, तो इसमें नीड जरूरत होगी एनर्जी की इसकी डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए, है ना। आगे क्या है, सिंस द सोर्स सिंक रिलेशनशिप वेरिएबल, तो इसलिए क्या है, सोर्स और सिंक की रिलेशनशिप जो होती है कैसी होती है, वेरिएबल होती है, ठीक है, सीजन पे और नीड ऑफ प्लांट की बेसिस पे वो वेरिएबल हो सकती है। द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, जो इसकी डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इन फ्लोएम कैन बी अपवर्ड और डाउनवर्ड, है ना, तो इसका जो फ्लोएम का डायरेक्शन होता है
चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने का, चीज़ों को भेजने का, वो कैसा हो सकता है, अपवर्ड हो सकता है और डाउनवर्ड हो सकता है, अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों हो सकता है। तो इसलिए इसको क्या बोला हम लोगों ने, बाई डायरेक्शनल। क्या बोला? बाई डायरेक्शनल। बाई का मतलब होता है दोनों डायरेक्शनों पर, है ना, बाई का मतलब होता है दोनों, यानी डाउनवर्ड हो अपवर्ड दोनों हो सकता है। दिस कॉन्ट्रास्ट विथ डेड ऑफ जाइलम वेयर मूवमेंट इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल, यानी फ्लोएम का जो मूवमेंट होगा वो कैसा हो सकता है, बाई डायरेक्शनल हो सकता है, बट जाइलम का डायरेक्शन जो होता है ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल होता है, ये बात को याद रखेंगे, ठीक है, ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल होता है, चीज़ें डाउनवर्ड अपवर्ड की तरीके जाएंगी, है ना, चीज़ें कहाँ जाएंगी, अपवर्ड जाएंगी, यानी नीचे से चीज़ें ऊपर की तरफ जाएंगी, नीचे से चीज़ें अपवर्ड जाएंगी, ऐसे जाएंगी अपवर्ड जाएंगी, ठीक है। हेंस अनलाइक वन वे फ्लो ऑफ वाटर इन ट्रांसपायरेशन, है ना, इससे क्या होगा, वाटर का जो ट्रांसपोरेशन होता है कैसा होता है, वन वे होता है, कैसा होता है, वन वे होता है, फ्लो ऑफ वाटर इन ट्रांसपोरेशन वन वे होता है। फूड इन फ्लोएम शेप कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन एनी रिक्वायर्ड डायरेक्शन सो लॉन्ग एज देयर इज ए सोर्स ऑफ शुगर एंड सिंक एबल टू यूज स्टोर एंड रिमूव शुगर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है वो कैसा होता है, अपवर्ड होता है, सिर्फ वन वे पे होता है, और जो फूड जो बनाता है, फ्लोएम बनाता है, फ्लोएम सब जो होती है वो किसी भी रिक्वायरमेंट डायरेक्शन पे, जिस डायरेक्शन पे फूड की ज़रूरत होगी उस डायरेक्शन पे उसको भेज दिया जाएगा, है ना। और ये क्या होता है, जो फ्लोएम फूड बनाता है वो क्या होता है, सोर्स ऑफ शुगर का होता है, यानी शुगर का सोर्स होता है, ठीक है। और इसमें क्या होगा, सिंक जो करेगा उसको यूज कर लेगा, फ्लोएम से चीज़ें, फ्लोएम सोर्स हुआ मतलब लीव सोर्स हुई, ये चीज़ें शुगर के फॉर्म में बनाएंगी और ट्रांसपोर्ट करेंगी, और फिर जहाँ जिस प्लांट को ज़रूरत होगी वो यूज कर लेगा और उसको स्टोर कर लेगा, और फिर उससे क्या करेंगे, सीगन शुगर निकल जाएगी, ठीक है, जैसे जैसे प्लांट की नीड होगी। अब आगे क्या है, फ्लोएम सैप इज मेनली वाटर, फ्लोएम सैप में क्या होता है, फ्लोएम सैप में क्या क्या होता है, फ्लोएम सैप मेनली वाटर एंड सुक्रोज। फ्लोएम सैप में अगर क्वेश्चन में आता है कि फ्लोएम सैप में मेनली क्या होता है, तो हम क्या बोलेंगे, वाटर, वाटर और सुक्रोज। फ्लोएम सैप में मेनली क्या होता है, वाटर और सुक्रोज होता है, बट अदर शुगर, अदर क्या होता है, बट अदर शुगर हार्मोन्स एंड अमीनो एसिड आर आल्सो ट्रांसपोर्टेड और ट्रांसलोकेट थ्रू फ्लोएम, है ना। अब इसमें क्या हुआ, जो फ्लोएम सैप के द्वारा क्या होता है, मेनली वाटर एंड सुक्रोज होता है, बट अदर शुगर्स भी होती हैं, हार्मोन्स होती हैं, अमीनो एसिड भी होते हैं, जो कि ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। अब इनके द्वारा ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे तो इन चीज़ों को क्या बोलेंगे, ट्रांसलोकेटेड बोलेंगे, ट्रांसलोकेशन बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे, ट्रांसलोकेशन बोलेंगे, ट्रांसलोकेटेड थ्रू फ्लोएम, क्योंकि ये क्या है, वास्कुलर बंडल है, क्या है, वास्कुलर बंडल के द्वारा चीज़ों का ट्रांसलो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट होता है, तो उसको क्या बोलते थे हम लोग, ट्रांसलोकेशन बोलते थे, ठीक है। इसी वजह से इसको क्या बोला, ट्रांसपोर्ट और ट्रांसलोकेटेड थ्रू फ्लोएम, ठीक है। अब आगे क्या बताया गया हमको, अब आगे हमको दिया गया है द प्रेशर फ्लो और मास फ्लो हाइपोथेसिस, है ना, प्रेशर फ्लो और मास फ्लो हाइपोथेसिस क्या होती है उसके बारे में बताया गया हमको, प्रेशर एंड मास फ्लो हाइपोथेसिस। देख लेते हैं इसमें क्या लिखा गया है, द एक्सेप्टेड मैकेनिज्म यूज फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर फ्रॉम सोर्स टू सिंक इज कॉल्ड प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। तो प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस क्या हुई, द मोस्ट एक्सेप्टेड मैकेनिज्म यूज टू ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर फ्रॉम सोर्स टू सिंक, है ना, सोर्स से सिंक में चीज़ें जाएंगी तो किस उसको क्या बोलते हैं, प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस, सोर्स से चीज़ें कहाँ जाएंगी सिंक में जाएंगी। ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर, है ना, शुगर का ट्रांसलोकेशन सोर्स से सिंक में होना किसके थ्रू होता है, इसको क्या बोलते हैं, प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस बोलते हैं, ये बात को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिगर दिखाया गया हमको 11.10, हम बाद में देखेंगे। एज ग्लूकोज इज प्रिपेयर एट द सोर्स, जो ग्लूकोज होता है कहाँ पे प्रिपेयर होता है, सोर्स पे प्रिपेयर होता है, प्रिपेयर सोर्स पे होता है, सोर्स यानी फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होगी, लीफ पे, लीफ में क्या होगी, फोटोसिंथेसिस होगी, ठीक है, उसके द्वारा ये क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है सोर्स में, ठीक है। आगे क्या है, इट कन्वर्टेड टू सुक्रोज, और ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, सुक्रोज में। सुक्रोज क्या है, डाइसेक्राइड है, है ना, सुक्रोज क्या है, डाइसेक्राइड है, और ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज क्या है, मोनोसेक्राइड है। इस बात को याद रखेंगे, जो सुक्रोज होता है वो क्या है, सुक्रोज क्या है, डाइसेक्राइड है, और ग्लूकोज क्या है, मोनोसेक्राइड है। ग्लूकोज क्या है, मोनोसेक्राइड है, ठीक है।
अब चीज़ें ये आप ये सोच रहे होंगे कि चीज़ें बनती तो भाई ग्लूकोज के फॉर्म में बनता है ना, ग्लूकोज बनता है, बट ये ट्रांसपोर्ट क्यों होता है सुक्रोज के फॉर्म में, डाइसैकेराइड के फॉर्म में क्यों ट्रांसपोर्ट होता है? इसलिए ट्रांसपोर्ट होता है कि भाई प्लांट की जिस पार्ट को ज़रूरत है ना, अगर मोनोसैकेराइड के फॉर्म ग्लूकोज के फॉर्म में है तो जिस पार्ट को ज़रूरत है एक्चुअल में, तो वहाँ तक चीज़ें पहुँच ही नहीं पाएंगी, वहाँ से पहुँचने से पहले खा जाएंगे चीज़ें, दूसरे पार्टी खा जाएंगे। बट सुक्रोज के फॉर्म में होता है तो डाइसैकेराइड होता है, इतनी मोस्ट इजीली टूटता नहीं है, तो मतलब जहाँ पे चीज़ें जानी हैं वहाँ पे पहुँच जाएंगी, उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ग्लूकोज में, ठीक है, समझ गए होंगे आप। आगे क्या है, द शुगर इज देन मूव इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज इन टू द कैंपेनियन सेल एंड देन इन टू द लिविंग फ्लोएम सीव ट्यूब सेल बाई एक्टिव ट्रांसपोर्ट, है ना। इसके बाद क्या होता है, जो शुगर बनती है है ना, किसके शुगर बनती है तो किसके फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में, बट ट्रांसपोर्ट किस में होती है? देखो शुगर बनता तो किसमें है, ग्लूकोज के फॉर्म में, बट ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में होता है, ट्रांसपोर्ट होता है सुक्रोज के फॉर्म में, ये बात याद रखेंगे, ठीक है। द शुगर इज देन मूव इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज इन टू कंपेनियन सेल, जो सुक्रोज बनी वो शुगर बनी वो किसमें, कंपेनियन सेल में मूव हो गई, एंड देन इनटू द लिविंग फ्लोएम सीव ट्यूब सेल, और फिर क्या हुआ, सीव ट्यूब सेल में चली गई बाई एक्टिव ट्रांसपोर्ट, किसके, बाई एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा, ठीक है। दिस प्रोसेस ऑफ लोडिंग एट द सोर्स प्रोड्यूस ए हाइपोटोनिक कंडीशन इन फ्लोएम, है ना। अब क्या हुआ, अब ये इसमें चीज़ें कहाँ पर चली गई, दिस प्रोसेस लोडिंग एट सोर्स प्रोड्यूस ए हाइपरटोनिक कंडीशन इन फ्लोएम, यानी फ्लोएम में कैसी कंडीशन हो गई, हाइपरटोनिक कंडीशन हो गई, जब चीज़ें उसमें क्या लोड हो गई, है ना, जब चीज़ें लोड होंगी तो वहाँ पे क्या होगा, चीज़ें ज़्यादा हो जाएंगी, तो कंडीशन कैसी आ जाएगी, हाइपरटोनिक कंडीशन आ जाएगी, वहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, फ्लोएम में, ठीक है। आगे क्या है, वाटर इज द एडजेसेंट जाइलम मूव इनटू द फ्लोएम बाय ऑस्मोसिस, और जो होता है जाइलम में क्या होते हैं, जाइलम में क्या होता है, वाटर होता है, जब उसके बगल फ्लोएम के बगल में जाइलम होगा तो उससे वाटर मूव कर जाएगा जाइलम से कहाँ, फ्लोएम में बाई ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस के द्वारा वाटर मूव कर जाएगा जाइलम से फ्लोएम में, ठीक है। अब क्या हुआ, एज ऑस्मोटिक प्रेशर बिल्डअप द फ्लोएम सेप विल मूव एरिया टू लोअर प्रेशर, है ना। अब क्या हुआ, यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर बिल्डअप हो गया कहाँ पे, फ्लोएम सेप में, है ना, फ्लोएम सेप में क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप हो गया और वहाँ से चीज़ें कहाँ चली जाएंगी, मूव कर जाएंगी लोअर प्रेशर पे, जहाँ पे लोअर प्रेशर होगा, जहाँ पे प्रेशर कम होगा उस एरिया पे मूव कर जाएंगी चीज़ें, ठीक है। आगे क्या है, एट द सिंक ऑस्मोटिक प्रेशर मस्ट बी रिड्यूस, और सिंक में क्या हुआ, ऑस्मोटिक प्रेशर जो होना चाहिए सिंक में वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तभी चीज़ें कहाँ जाएंगी, हाई से लो जाती हैं। अगर सिंक में यानी जिसको ज़रूरत है वहाँ पे अगर ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है तो वहाँ पे चीज़ें नहीं जा पाएंगी, है ना। तो इसलिए जहाँ पे सिंक में होना चाहिए तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होनी चाहिए, मस्ट बी रिड्यूस, वहाँ का ऑस्मोटिक प्रेशर कम होना चाहिए, ठीक है, तभी चीज़ें वहाँ पे जा पाएंगी। अगेन एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज नेसेसरी टू मूव सुक्रोज आउट ऑफ फ्लोएम सेप एंड इनटू द सेल व्हिच इज यूज शुगर कन्वर्टिंग इनटू एनर्जी स्टार्च और सेलुलोज, है ना। तो इसमें क्या बताया, अगेन एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है उसके लिए क्या होता है, नेसेसरी होती हैं चीज़ें कहाँ से मूव करें, मूव ऑफ सुक्रोज आउट ऑफ द फ्लोएम सेप एंड इनटू सेल, है ना, वहाँ से फ्लोएम सेप से चीज़ें आउट हो जाएं, निकल जाएं, फ्लोएम सेप से सुक्रोज निकल जाएं और कहाँ चले जाएं, सेल में चले जाएं, विच इज यूज, फिर वो सेल क्या करें, सेल जो है शुगर को यूज कर ले, है ना, शुगर को यूज कर ले, शुगर कन्वर्टिंग इनटू एनर्जी, शुगर को यूज करे और शुगर को कन्वर्ट कर ले एनर्जी में, है ना, एनर्जी में कन्वर्ट कर ले, स्टार्च में कन्वर्ट कर ले और किसी में कन्वर्ट कर ले, सेलुलोज में, ठीक है। एज शुगर आर रिमूव्ड, और फिर शुगर क्या है, रिमूव हो जाए, द ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज एंड वाटर मूव आउट ऑफ द फ्लेम, और फिर क्या हुआ, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हुआ, डिक्रीज हो जाता है, फिर क्या होता है, वहाँ से चीज़ें वाटर मूव आउट कर जाता है फ्लोएम से, है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज हो गया, ऑस्मोटिक वहाँ से वाटर मूव आउट कर जाएगा फ्लोएम से, ठीक है। टू समराइज द मूवमेंट ऑफ शुगर इन द फ्लोएम, बिगनिंग एट द सोर्स वेयर शुगर आर लोडेड एक्टिवली ट्रांसपोर्ट इन टू सीव ट्यूब, है ना। अब क्या हुआ, अब हमको ये बताया गया यहाँ पे कि जो होता है मूवमेंट ऑफ शुगर, है ना, मूवमेंट ऑफ शुगर इन द फ्लोएम
कब स्टार्ट होता है? बिगिन एट द सोर्स, है ना, जब चीज़ें क्या होती हैं, जब जब चीज़ें बनती हैं, फ्लोएम में चीज़ें बने, फ्लोएम क्या करेगा, लीव में चीज़ें बनेगी, यानी फोटोसिंथेसिस होगा, सुक्रोज वगैरह बनेगी, वहाँ पे ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज बनेगा यानी, ठीक है, और किसके फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, सुक्रोज के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। सुक्रोज क्या है, डाइसेक्राइड है, ग्लूकोज क्या है, मोनोसेक्राइड है, है ना। तो फ्लोएम चीज़ों का ट्रांसपोर्ट कराता है, तो फ्लोएम क्या है, एक्ट करेगा सोर्स के, वेयर शुगर जो होगी, शुगर क्या होंगी, वो लोड होंगी, फ्लोएम में शुगर कैसी होंगी, लोड होंगी, यानी उसमें लोड होंगी कैसे, एक्चुअली ट्रांसपोर्टेड, है ना, एक्चुअली ट्रांसपोर्टेड लोड होती हैं शुगर इनटू ए सीव ट्यूब, है ना। और क्या है, लोडिंग ऑफ फ्लोएम सेटअप ए वाटर, लोडिंग ऑफ फ्लोएम सेटअप ए वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट डेट फैसिलिटेट द मास मूवमेंट इन द फ्लोएम, यानी चीज़ें फ्लोएम में लोड होने के लिए क्या होना चाहिए, एक वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होना चाहिए, सेट होना चाहिए, वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट सेट होगा तभी चीज़ें क्या होंगी, फैसिलिटेट होगा मूवमेंट ऑफ द फ्लोएम, सारी मूवमेंट होगा फिर तभी फैसिलिटेड मूवमेंट होगा, इसमें फ्लोएम में उसमें क्या जरूरत है, वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट की जरूरत है तभी चीज़ें फ्लोएम में लोड होंगी, ठीक है, समझ गए होंगे आप। आगे क्या है, फ्लोएम टिशू, फ्लोएम टिशू इज कंपोज ऑफ सीव ट्यूब सेल, जो फ्लोएम टिशू होते हैं उनमें क्या होती हैं, सीव ट्यूब सेल होती हैं, ये बात को याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है कि फ्लोएम में जो होते हैं क्या होते हैं, सीव ट्यूब सेल होती हैं, विच फॉर्म लॉन्ग कॉलम, जो कि लॉन्ग कॉलम विथ होल इन देयर एंड वॉल कॉल्ड सीव प्लेट। इसका मतलब क्या हुआ, उसमें जो फ्लोएम टिश्यू होते हैं उनमें क्या होते हैं, सीव ट्यूब सेल होती हैं, जो कि लॉन्ग लॉन्ग कॉलम बनाते हैं, लंबे लंबे कॉलम बनाते हैं, ऐसे ऐसे कॉलम बनाएंगे और इनमें क्या होंगी, यहाँ पे क्या होंगे, होल होंगे, यहाँ पे क्या होंगे, होल होंगे, है ना, उनके एंड में यानी इनके आखिरी में क्या होंगे, होल होंगे, जिससे क्या होते हैं, जिसे कहते हैं, क्या बोलते हैं, स्वीप प्लेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्वीप प्लेट बोलते हैं, ये बात याद रखेंगे कि जो स्वीप ट्यूब सेल होती हैं उनसे उनमें उनमें लॉन्ग होती हैं, कॉलम लाइक होती हैं, उनमें होल हो जाते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, स्वीप प्लेट बोलते हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड, जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड होते हैं इन्हीं से पास होते हैं, है ना, इन्हीं होल से साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड क्या होंगे, पास होंगे, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड पास थ्रू द होल इन द स्वीप प्लेट्स, है ना, इसी इन्हीं होल से साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड पास होंगे और कहाँ पे, स्वीप प्लेट्स में, ठीक है। सो फॉर्मिंग कंटिन्यूअस फिलामेंट, ये क्या बनाते हैं, कंटिन्यूअस फिलामेंट बनाते हैं, कौन, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड, है ना, कहाँ से पास होंगे, ये जो होल होंगे उनसे पास होंगे स्वीप ट्यूब प्लेट्स में, ठीक है, और कंटिन्यूअस फिलामेंट बनाएंगे। एज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इन द फ्लोएम स्वीप ट्यूब इंक्रीज, जैसे ही हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज हुआ फ्लोएम की स्वीप ट्यूब में, है ना, तो क्या हुआ, प्रेशर फ्लो बिगिन, तो प्रेशर का फ्लो स्टार्ट हो गया एंड सैप मूव थ्रू द फ्लोएम, है ना, और सैप जो हुआ फ्लोएम, सैप मूव हो गया, है ना, थ्रू फ्लोएम, मीन्स वाइल, इसका मतलब क्या हुआ, एट द सिंक इनकमिंग शुगर, यानी सिंक में आने वाली शुगर आर एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ फ्लोएम एंड रिमूव, है ना, इसका मतलब क्या हुआ, मीन्स वाइल इसका मतलब जो सिंक, मतलब जहाँ पे चीज़ों की ज़रूरत है वहाँ पे चीज़ें ज़रूरत है, तो वहाँ पे इनकमिंग आने वाली शुगर जो होगी कैसी होगी, एक्चुअली ट्रांसपोर्ट होगी, है ना, एक्चुअली ट्रांसपोर्ट आउट द फ्लोएम एंड रिमूव, एंड रिमूव ए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, और एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की रूप में रिमूव होती है, ठीक है। द लॉस ऑफ सॉल्यूट, द लॉस ऑफ सॉल्यूट प्रोड्यूस ए हाई वाटर पोटेंशियल इन फ्लोएम, है ना, जब इसमें क्या सॉल्यूट का लॉस होता है, यानी सॉल्यूट यानी शुगर इससे कहाँ से प्रोड्यूस जो होती है, सॉल्यूट प्रोड्यूस ए हाई वाटर पोटेंशियल फ्लोएम में प्रोड्यूस करती है ना, जब सॉल्यूट लॉस होगा तो वहाँ पे फ्लोएम में क्या होगा, हाई वाटर पोटेंशियल प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है, हाई वाटर पोटेंशियल प्रोड्यूस हो जाएगा एंड वाटर पास आउट, और वाटर बाहर निकाल दिया जाता है, वाटर पास आउट हो जाता है, रिटर्निंग इवेंचुअली टू जाइलम, और कहाँ पे भेज दिया जाता है उसको, जाइलम से पानी आया था, जाइलम में ही भेज दिया गया, ठीक है, कहाँ से जाइलम से पानी आया था उसको जाइलम में ही भेज दिया गया, ठीक है। आगे क्या है, ए सिंपल एक्सपेरिमेंट, एक सिंपल एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, गर्डिंग एक्सपेरिमेंट, क्या बोलते हैं, गर्डिंग एक्सपेरिमेंट, है ना, ए सिंपल एक्सपेरिमेंट कॉल गर्डिंग एक्सपेरिमेंट, है ना, वाज यूज टू आइडेंटिफाई द टिश्यू थ्रू विच फूड ट्रांसपोर्टेड, है ना, ये गर्डल एक्सपेरिमेंट किस लिए करते हैं, कि ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि गर्डल एक्सपेरिमेंट किस लिए परफॉर्म करते हैं, तो हम इसलिए परफॉर्म करते हैं कि हमको ये पता चले कि कौन सा जो है, कौन सा टिशू है जो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है ना, जाइलम करता है, फ्लोएम करता है, कौन सा टिशू है जो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, इसलिए गर्डल एक्सपेरिमेंट करते हैं।
ठीक है, इसमें क्या होता है, वन द ट्रंक ऑफ ट्री, जो एक क्या एक ट्री की ट्रंक को क्या करते हैं, द ट्रंक ऑफ ट्री ए रिंग ऑफ बार्क अप टू डेप्थ ऑफ लेम लेयर कैन बी केयरफुली रिमूव। अब इसमें क्या करते हैं, एक पेड़ को लेते हैं, पेड़ को लेते हैं और उसकी क्या करते हैं हम लोग, इसमें एक ट्री की रिंग को वार्क को इसकी इसके एक छल्ले की नुमा वार्क को यानी इसकी बार की लेयर को हटा लेते हैं, गहराई तक हटाते हैं, केयरफुली हटाते हैं, यहाँ की फ्लोएम लेयर पाई जाती है ना, वहाँ तक उसकी बार को हटा लेते हैं केयरफुली, और फिर क्या करते हैं, इन द अब्सेंस ऑफ डाउनवर्ड मूवमेंट, है ना, वहाँ पे क्या होगा, फिर बार हट जाएगी तो वहाँ पे क्या बन जाएगी, रिंग बन जाएगी, तो वहाँ पे क्या होगा, आगे क्या है, वहाँ पे द अब्सेंस ऑफ डाउनवर्ड मूवमेंट, है ना, अब डाउनवर्ड चीज़ों का मूवमेंट नहीं होगा, है ना, डाउनवर्ड चीज़ों का फ्लोएम क्या मूव करा रहा था, फूड का मूवमेंट करा रहा था, फ्लोएम क्या फूड का मूवमेंट करा रहा था, तो वही क्या है, द अब्सेंस ऑफ डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ फूड पोर्शन ऑफ द बार्क एवब द रिंग ऑन द स्टेम बिकम सोलन आफ्टर फ्यू वीक्स। तो क्या चीज, जहाँ पे रिंग रिंग के ऊपर का जो स्ट्रक्चर था तो वहाँ पे क्या होगा, पोर्शन जो होगा वो सोल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सोल हो जाएगा यानी फूल जाएगा, है ना, कुछ वीक्स में, कुछ वीक्स में बाद देखेंगे तो वहाँ का पोर्शन सेल हो जाएगा। तो इससे क्या पता चला कि फ्लोएम जो होता है फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। दिस सिंपल एक्सपेरिमेंट शो दैट फ्लोएम इज टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। ये सिंपल एक्सपेरिमेंट बताता है कि जो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसलोकेशन करता है, किसका करता है, फूड का ट्रांसलोकेशन करता है, एंड डैट ट्रांसपोर्ट टेक प्लेस इन वन डायरेक्शन, और इसका जो डायरेक्शन होता है, इसका डायरेक्शन क्या होगा, वन डायरेक्शन होगा, है ना, कहाँ से होगा, यानी टूवर्ड्स रूट, रूट की तरफ होगा, लीफ से रूट की तरफ होगा, रूट से लीफ की तरफ होगा, ठीक है, इसका फ्लेम का डायरेक्शन, ठीक है। दिस एक्सपेरिमेंट कैन बी परफॉर्म यू आई इजली, आप एक्सपेरिमेंट खुद परफॉर्म कर सकते हैं आसानी से, ठीक है, दिया गया है। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किसका दिया गया, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, है ना, अब ये क्या है, टिप ऑफ स्टेम है, टिप ऑफ स्टेम, यहाँ पे चीज़ें क्या होंगी, लीफ होगी, टिप ऑफ स्टेम में क्या होगी, लीफ होंगी, जहाँ पे क्या होंगी, इसमें क्या है, शुगर बनेगा, है ना, लीफ में सुक्रोज बनता है, ग्लूकोज बनता है, सुक्रोज के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। अब इसमें क्या दिखाया गया फिगर में, ये हम देख लेते हैं, ये क्या हुआ, रूट हुआ, ठीक है, ये क्या हुआ, रूट हुआ, ये क्या हुआ, फ्लोएम हुआ, फ्लोएम क्या, फूड का ट्रांसलोकेशन करता है, फ्लोएम क्या करता है, फूड का ट्रांसलोकेशन करता है, ठीक है। अब लीफ में चीज़ें बनी, है ना, लीफ में क्या है, शुगर इंटर स्यूब ट्यूब, शुगर इंटर हुई कहाँ पे, स्यूब ट्यूब में, शुगर इंटर स्यूब ट्यूब, वाटर फ्लो बाय ऑस्मोसिस, है ना, वाटर फ्लो बाय ऑस्मोसिस, यानी हायर ट्रिगर प्रेशर हो गया यहाँ पे, ठीक है, हायर ट्रिगर प्रेशर हो गया। अब इसमें क्या है, और इसमें यहाँ पे क्या बताया गया हमको, शुगर लीफ स्यूब ट्यूब वाटर फ्लो बाय ऑस्मोसिस, यहाँ पे शुगर इंटर हो रही है, यहाँ पे शुगर स्यूब ट्यूब में क्या हो रही है, इंटर हो रही है, है ना, और यहाँ पे क्या है, शुगर जो है स्यूब ट्यूब को छोड़ रही है बाई ऑस्मोसिस के द्वारा, ठीक है। अब इसमें क्या बताया गया है, ये क्या है, शुगर सोल्यूशन फ्लो ऑफ रीजन ऑफ लो ट्रिगर प्रेशर, है ना, ये शुगर सोल्यूशन कहाँ से फ्लो होता है, जहाँ लो ट्रिगर प्रेशर हो, हाई ट्रिगर प्रेशर से लो ट्रिगर प्रेशर की तरफ, ठीक है। अब इसमें क्या है, रूट में क्या है, चीज़ें शुगर लीफ स्यूब ट्यूब, शुगर स्यूब ट्यूब को छोड़ रही है फॉर मेटाबोलिक एंड स्टोरेज वाटर फ्लो बाई ऑस्मोसिस, है ना, वाटर फ्लो बाई ऑस्मोसिस, तो यानी लोडिंग ऑफ शुगर, लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ शुगर क्या होती है, दोनों एक्टिवली होती हैं, लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ शुगर कैसी होती हैं, दोनों एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक्टिवली होती हैं, कैसी होती हैं, एक्टिवली होती हैं, एनर्जी की जरूरत पड़ती है, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इंटरेस्टिंग वीडियो में, जिसमें हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, मिनरल न्यूट्रिशन के बारे में। फिलहाल तो अपना ये चैप्टर फिनिश हो गया, तो टेक केयर, बाय बाय, यू हैव अ नाइस डे, इफ यू लाइक माय सेशन तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर माय वीडियो, तो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।